यहाँ ही ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है और ये जीवन का मकसद, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये मकसद ही है कि अपना जीवन तो पल पल ब्रह्म ज्ञान पे टिका कर ही जीते जाएं। वहाँ पूरे संसार के लिए एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे अपने कर्मों द्वारा तो हम एक दर्शा रहे ही हैं कि क्या जीवन में परिवर्तन ब्रह्म ज्ञान के बाद आता है, वहीं एक किसी के जीवन में किस तरह का हमारा एक प्रभाव है। कहीं कोई ये तो नहीं कह रहे कि ये व्यक्ति तो संगत जाता है फिर भी ये ऐसी सलाह या ऐसा अपना जीवन क्यों जी रहा है जो अच्छी शिक्षाओं पर बेस्ड नहीं है, ये तो जीवन जीने के कर्म दर्शा ही नहीं रहे, या हमें उस तरह का जीवन चाहिए कि ये व्यक्ति सत्संग से जुड़ा है तो ये हर एक का आदर सत्कार करते जाते हैं, ये जहाँ पर जाते हैं हमें भी वहाँ पर जाना है। तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की, अक्सर जो बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है कि खाना बनाते समय पूरा खाना टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस वो करछी से थोड़े पोर्शन से ही आइडिया लग जाता है कि क्या कमी पेशी है, और क्या अगर हम ही वो चुना हुआ हिस्सा हैं तो हम क्या दर्शा रहे हैं, इससे पूरी एक क्या समागम की परसेप्शन हर एक की बननी है, मिशन की परसेप्शन क्या बननी है। तो एक अक्सर जो बचपन से ही बाल संगत का भी उदाहरण देते हैं कि बच्चों को क्यों शुरू से ये संगत के साथ जोड़ा जाता है, छोटी उम्र के बाद देखा गया है कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ जिज्ञासा रखते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर क्यों ब्रह्म ज्ञान से भी पहले फिर वो बाल संगत का रूप उनको परिवार वालों ने प्रेरणा देनी कि सत्संग जाओ अच्छी बातें सीखो, क्योंकि उस उम्र पे चाहे फिर वो एक अच्छे शिष्टाचार के रूप में ही, मॉरल वैल्यूज के रूप में ही, चाहे वो उस तरह अपनी समझ रखेंगे पर शिक्षा तो अच्छी ही लेंगे, और आगे चल के फिर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जब आती है, जब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये जिज्ञासा भी जागती है कि ये बात क्या कह रहे हैं संत, ये किस तरह जीवन जीने की बात हो रही है, किस तरह ये शरीर से उठकर आत्मा परमात्मा का मेल ये आवश्यक है, और जीते जी अपना चरितार्थ, और क्या हम उस गुणों पे चल भी रहे हैं कि नहीं। जब ये शिक्षा आ जाती है मनो में तो बहुत ही एक जीवन आसान हो जाता है। फिर वही बात जो अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि फिर हम मनुष्य बन गए, फिर किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य हो तो मनुष्य जैसा व्यवहार रखो, वो मनोर्भव तो स्वयं ही एक नेचुरल हो गया कि जिस तरह हर किसी चीज को हम देख के ही बोल देते हैं ये चीज है, उसी तरह एक शक्ल आकार इंसान की है तो व्यवहार भी इंसान का, और खुद ब खुद ये मनुष्य स्टेटमेंट तो हर कोई बोल देता है, चाहे ज्ञान से एक वाकिफ है कि नहीं, ये परमात्मा के दर्शन होए या नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हर कोई कह देता है कि हम पूरा ब्रह्मांड का ही एक रूप है। तो कैसे ये बात समझ भी तब आती है कि हम जब इस परमात्मा से मेल कर चुके हैं तो परमात्मा पूरी सृष्टि से भी बियॉन्ड है, तो हम भी एक वही हो गए जो ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार की बात। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन में एक निराकार से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना कि एक भय की बात है कि अगर निराकार को भूल जाएंगे तो अंत श्वास में वो मुक्ति वो सालवेश सौदा फायदे का ही है, कि हम जब जब भी दातार को याद रखेंगे, सारी एक जो भी घड़ियां आती हैं जीवन की वो सुनहरी बनती जाती हैं, वो एक असुविधा भी अगर उन घड़ियों में होनी चाहिए भक्तों को उसमें भी सुविधा ही लगती है। तो कैसे एक सुखदायी जीवन का सलीका भी ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ही जीवन में आता है,